दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स बाहर निकल कर आ रही है, तो रिसेंटली शॉर्ट में बात करेंगे कुछ इवेंट्स की, इसके बाद मेन टॉपिक के ऊपर चल लेंगे। उससे पहले अपील मैं आप सभी के लिए कर लूँ कि यहाँ पर दोस्तों फ्री गिव अवे चल रहा है इंडिया पाकिस्तान की टिकट का, इसके अलावा मोबाइल के यहाँ पर कवर का और यहाँ पर जर्सीज का भी, तो लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे आप जीतोगे, उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लो। अब बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो श्रेयस अय्यर नंबर 4 के ऊपर अभी मॉडर्न एरा के अंदर सबसे बेस्ट बैट्समैन, ऐसा बताया किसी एक क्रिकेट एनालिस्ट ने। जो 101 मीटर का छक्का उन्होंने मारा है उसके बाद यहाँ पर श्रेयस अय्यर काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं। रिसेंटली रिंकू सिंह का यहाँ पर बर्थडे था और मैं आप सभी को बता दूं कि यार रिंकू सिंह ने ना बहुत सारे पैसे डोनेट किए हैं, तो अगर आप रिंकू सिंह के सच्चे फैन हो तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि रिंकू सिंह ने कितने पैसे डोनेट किए और कहाँ पर डोनेट किए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वैभव अरोड़ा का भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर चयन हो चुका है। सो यहाँ पर ये सभी अपडेट्स थे केकेआर नाइट्स के लिए। अब बात कर लेते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर जो कि निकल कर आती है जेसन रॉय को लेकर। सो नो डाउट जेसन रॉय एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे ओपनर हैं, इसके बाद भी उनको यहाँ पर नहीं लिया गया है टीम के अंदर जो कि इंग्लैंड की टीम है और वर्ल्ड कप के संभावित में भी उनका नाम नहीं है। ऐसी वो उम्मीद लगा रहे थे कि किसी तरह से रिजर्व प्लेयर के अंदर वो आ जाए, इसके बाद अगर कुछ अनहोनी हो जाती किसी प्लेयर्स के साथ तो उनको वर्ल्ड कप खेलने का मौका दिया जाएगा। बट मैंने आपको काफ़ी पहले वीडियो बना के बता दिया था कि यहाँ पर जो जेसन रॉय है उनका ये लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है, चाहे वो टीम में आए चाहे ना आए, उसके बाद वो होपफुली या तो इंग्लैंड क्रिकेट को बाय कहेंगे या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट को बाय कहेंगे। तो अभी न्यूज़ निकल कर आ चुकी है कि अब वर्ल्ड कप का भी वेट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं जेसन रॉय, बहुत ही जल्दी एक बड़ी अनाउंसमेंट दे रहे हैं जो कि सभी नाइट राइडर्स फैमिली के लिए और सभी फैंस के लिए काफ़ी बड़ी यहाँ पर खुशखबरी होने वाली है। क्या है वो अपडेट, चलो मैं आपको बता देता हूँ। जेसन रॉय अब जो भी क्रिकेट खेलेंगे उसमें इंटरनेशनली वो इंग्लैंड के लिए पार्टिसिपेशन नहीं रखेंगे। केकेआर यानी जो नाइट राइडर फैमिली है, चाहे एलएकेआर यानी लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स हो, एडीकेआर यानी आबू धाबी नाइट राइडर्स हो, होपफुली टीकेआर के लिए भी हमें देखने को मिले, बट ये जो टीम मैंने आपको बताई ना एलएकेआर और एडीकेआर, यहीं पे दो हमें जो टीमें हैं और आईपीएल की केकेआर, ये टोटल तीन टीमों में हमें जेसन रॉय साल भर के लिए साइन होते हुए देखने को मिलेंगे। पैसा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 3 साल की डील के लिए ये लगभग 50 करोड़ के आसपास लेंगे और नो डाउट दोस्तों कि इंग्लैंड के लिए खेलना और टीम से इधर उधर होना और 50 करोड़ लेके 3 साल के लिए खेलना, बहुत ज़मीन आसमान का फर्क पड़ जाता है, क्योंकि लास्ट में प्लेयर्स को चाहिए तो आखिरकार पैसा ही है। सो उम्मीद करेंगे कि यार जेसन रॉय साइन करने के बाद यहाँ पर टीम को धोखा ना दे दे। अब धोखा मतलब वो छोड़ तो नहीं सकते हैं, टीम को कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे, बट फॉर्म वाइज धोखा ना दे दे। नो डाउट बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो इस बात से हमें ये तो साफ पता चलता है एडीकेआर एलएकेआर में तो ये आएंगे ही, बट केकेआर में एक ओवरसीज खिलाड़ी अभी से ही आप रिजर्व करके रख लो, यानी टोटल 3 ओवरसीज खिलाड़ी टीम केकेआर रिजर्व आप मान के चल लो, आंद्रे रसल, सुनील नारायण और हो चुके हैं यहाँ पर जेसन रॉय। आप कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको क्या लगता है, जेसन रॉय यहाँ पर टीम केकेआर और नाइट राइडर्स फैमिली के लिए यहाँ पर कुछ लकी साबित होंगे या फिर पैसा बर्बाद वाला सीन हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।